हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वंशिका हांडा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में करने वाले एक बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ऑल नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज हाफ एम वी स्क्वेयर, एंड द फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम इज पी इज इक्वल टू एम वी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करेंगे बाय एम। सो स्टेप नंबर वन क्या होगा, बाय मल्टीप्लाइंग बाय एम। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर एंड मल्टीप्लाइड बाई एम बाय एम। सो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। सो वी राइट हाफ एम इंटू एम इज एम स्क्वेयर, वी स्क्वेयर एज इट इज रहेगा और ये टू इस एम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी ऑल नो एम वी इज इक्वल्स टू P, that is linear momentum. So P is equals to m v. So हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ m को ऐसे ही रहने देंगे, जहाँ पे हमने एम वी राइट किया है वहाँ पे हम P राइट कर देंगे, और साथ में क्या चल रहा है यहाँ पे, स्क्वेयर चल रहा है तो हम यहाँ पे स्क्वेयर डाल देंगे। अब इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं इसे, P स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टू एम, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे काइनेटिक एनर्जी, इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। So now this relation shows that a body cannot have kinetic energy without having linear momentum. मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है तो उसके पास लीनियर मोमेंटम भी होगा, और अगर ऐसे ही किसी बॉडी के पास लीनियर मोमेंटम होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। दैट मीन्स इनका जो रिवर्स है वो भी एकदम ट्रू है। सो दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।